ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਮ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਕਾ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਹੈ ये व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे तमाम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि बुद्ध धम या बुद्ध धर्म या बुद्ध का जो फिलॉसफी या बुद्ध ने जो बताया वो खतरे में है। खतरे में है खतरे में नहीं है ये बात समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली धम क्या है धर्म क्या है बुद्ध क्या है। संस्कृत भाषा में जिसको बाद में धम्म से धर्म कहा गया वो प्राकृतिक पाली भाषा के अंदर बुद्ध के समय धम्म था यानी कि बुद्ध के समय आधा रे नहीं था तो इसको धम्म बोलते थे। इसी प्राकृतिक नियमों को बाद में जब आर्टिफिशियल और फिजिकल या मैन मेड या मनुष्य के द्वारा बनाए नियमों में बदला गया तो उसको धर्म कहने लगे और इसको मजहब से और रिलीजियन से कंपैरिजन करने लगे। मजहब बिल्कुल अलग चीज है क्योंकि वो अरब से आया हुआ है, रिलीजियन बिल्कुल अलग है क्योंकि वो यूरोप से आया हुआ है और धम्म बिल्कुल अलग है जो प्राकृतिक है जो भारत से आया हुआ है। इसी धम्म का बाद में मिक्स करके धर्म कहा गया। दरअसल खतरा क्यों होता है किसी फिलॉसफी को किसी विचार को किसी संत की बात को कहे हुए। जो सबसे पुराने संत हैं और जो सबसे जाने माने दुनिया के अंदर विश्व गुरु कहलाए जाते हैं अकेले विश्व गुरु है क्योंकि पूरा विश्व उनको मानता है। प्राकृतिक नियम उन्होंने दिए उनको जो समय सिद्धार्थ गौतम थे बाद में जब उनको बोधि प्राप्त हो गई और धम्म प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध की जो फिलॉसफी और जो विचार है वो नेचर से निकल के आए प्रकृति से निकल के आए इसलिए वो प्राकृतिक विचार हैं। उन्होंने उनको ढूंढा बनाया नहीं उन्होंने उनको जाना उन्होंने उनको अनुभव किया तब बताया यानी वो प्रकृति में पहले से विद्यमान थे अभी भी हैं इसलिए डिस्कवर उन्होंने किया उनके नाम से जाना जाता है। उनका नाम ना भी लें तो भी नेचर में वो गुण विद्यमान है। समय समय पर संत उन्हीं गुणों को बताते रहते हैं। बुद्ध ने सम्यक सम बताए पूरे बताए इसलिए सम्यक सम बुद्ध बताए जाते हैं। उसी में से बाकी संत पुरुषों के विचार भी आते जाते रहते हैं क्योंकि वो 2600 साल पुराने हैं इसलिए सबसे पुरानी मान्यता उनकी है क्योंकि बहुत पहले उन्होंने मनुष्य के कल्याण के ये नियम बताए। तो वो खतरे में कैसे आ गए इतने अच्छे नियम इतना अच्छा सिस्टम जिससे सम्रट अशोक यानी कि जो राष्ट्र के रट के जो समता के वाहक थे सम्राट अशोक थे महान थे बड़े थे जिन्होंने महाभारत रचा महाभारत बनाया। महा मतलब बड़ा जैसे महा कहते ना महान है तो उसका मतलब है ऐसा मनुष्य जो बड़ा है। तो महाभारत भारत पहले छोटा था फिर ईरान से लेके और बर्मा तक उन्होंने ये लड़के जीता इसको अपनी कूटनीति से और इसको महाभारत बनाया। उसके रचयिता वही है उन्होंने ही धम्म को प्राकृतिक नियमों को अंगीकार किया और पूरी दुनिया में फैलाने का श्रेय उनको जाता है। बाद के राजाओं ने भी यह काम किया है। तो इतना सारा क्योंकि सम्राट अशोक के समय जो जीडीपी थी बताते हैं 23-24-25-26% पूरी दुनिया की भारत से चलती थी यानी पूरी दुनिया में 1/4 जो व्यापार था वो पूरी दुनिया में भारत से चलता रहा। हर आदमी यहां रिच था बड़ा खुश था। तो इतनी अच्छा विचार इतनी अच्छी फिलॉसफी को खतरा कैसे हो गया और वो खत्म कैसे हो गई। खतरा तो बहुत छोटा सा शब्द है कि धम्म को खतरा है दरअसल वो तो खत्म ही हो चुकी। अगर कोई अंग्रेज यहां नहीं आए होते या अगर वो अशोक के शिलालेख वगैरह नहीं ढूंढे होते या अशोक को सम्राट अशोक को नहीं ढूंढा होता या धम्म को अच्छी तरह से नहीं जाना होता तो पता भी नहीं चलता कि धम्म है कहां। तो जो लोग ये मानते हैं कि खतरा नहीं है अच्छी बात है क्योंकि खतरा नहीं मानना चाहिए काम करें और जो लोग ये मानते हैं कि बुद्ध धम्म को खतरा है तो वो और ज्यादा काम करें। दरअसल किसी भिक्कू से किसी धम्म को चलाने वाले से किसी ऐसे व्यक्ति से जो गांव में जाता है ऐसे व्यक्ति से जो जगह जगह जाके धम्म की बात करता है उसको सही आभास है कि खतरा कितना है और कैसा है। जो व्यक्ति ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है व्हाट्सएप चला रहा है यूट्यूब चला रहा है फेसबुक चला रहा है वो
वो सिर्फ बातें बना रहा है, उसे पता नहीं खतरा क्या होता है क्या है। दरअसल कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे, क्या इसका मेजरमेंट है, क्या स्केल है कि खतरा है या नहीं या खत्म हो चुका है। सम्राट अशोक के समय में ईरान से लेके बर्मा तक और श्रीलंका से लेके ऊपर अफगानिस्तान से भी ऊपर तक जो मध्य एशिया है वहां तक सारे लोग इस फिलॉसफी को मानते थे, बुद्ध की फिलॉसफी और विचार पर भारत चलता था। तो सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो सबके सब बुद्ध की फिलॉसफी को मानने वाले हैं। बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि बौद्ध बनो या बुद्धिस्ट कहलाओ। बाद के लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार ये शब्द बनाए। बौद्ध शब्द तो बुद्ध का ही संस्कृत शब्द है, क्योंकि दो मात्राएं पाली के अंदर नहीं होती, इसलिए बौद्ध जो बाद में बना है वो संस्कृत शब्द है, बुद्ध के साहित्य में बौद्ध नहीं है। और बुद्ध ने धम्मिक लोग बनाए थे सारे, बुद्धिस्ट किसी को नहीं बनाया। आज सुविधा के अनुसार हम धम्मिक नहीं कहते, धम्मिक कहें तो ज्यादा सरदार रहेगा, उसको बुद्धिस्ट कह देते हैं। मजहब से और रिलीजन से लगभग सिमिलर एक समानांतर जो चीजें चल रही हैं या उसके कंपटीशन में चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से कहा जाता है कि बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट कोई शब्द नहीं है। तो खतरा कैसे है? खतरा ऐसे है कि उस समय जब पूरा महाभारत बुद्ध की फिलॉसफी को मानता था तो आज कंपेयर करें कि अभी कितने लोग उस फिलॉसफी पे चल रहे हैं। अगर कम चल रहे हैं, बहुत जरा से रह गए हैं, तो खतरा है लगभग खत्म हो चुका है। और अगर उससे ज्यादा हो गए हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं, तो खतरा है, क्योंकि खत्म किया है। खतरा मतलब जो खत्म कर दे वो खतरा हो गया। अगर उसके प्रचारक यानी कि उस फिलॉसफी की प्रैक्टिस करने वाले, उसको बताने वाले, उसको पढ़ाने वाले टीचर अगर संख्या में बहुत कम रह गए हैं और पहले के मुकाबले, तो खत्म हो चुके हैं, खतरा है। अगर वो स्थल जिन स्थलों पे ये एजुकेशन पढ़ाई जाती है, ये विचार दिया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है, ये फिलॉसफी बताई जाती है जो समता करुणा मैत्री और भाईचारे की है, अगर वो सारे के सारे धम्म के स्थल या धम्म की शाला या धर्मशाला बोले आज के समय, क्योंकि जो धर्मशाला है ये तो संस्कारित वर्ड है और धम्मशाला प्योर वर्ड है। धम्मशाला मतलब जहां पे बैठ के ये काम होता था, विहारा भी बोल सकते हैं, विहार भी बोल सकते हैं, और इसको आराम भी बोल सकते हैं और राम भी बोल सकते हैं। पुराने समय में तो इसको आराम और राम बोला करते थे, जहां रमण करे राम हो गया और जहां आराम करे या रमण करे। आराम अलग शब्द है, उसी से राम बना हुआ है, आराम और राम एक ही है, इसका मतलब रमण करने वाला। तो वो जो धम्म की शालाएं हैं, जो धर्मशालाएं हैं, वो अभी कितनी रही या वो कहां चली गई, कितनी टूट गई या कितनी लोगों ने उनको बदल दिया या कुछ अन्य लोगों ने नाम बदलकर उस पर अपना अधिपत्य, अपना कब्जा या अपने नाम से वो स्थापित कर ली या उनको बदल लिया। कितने फोटो आते हैं फेसबुक पे जिसपे जगह जगह आता है कि ये बुद्ध का मूर्ति है, ये बुद्ध का मूर्ति है, ये बुद्ध का मूर्ति है, मगर बुद्ध का वहां पर विचार नहीं है, बुद्ध का नाम नहीं है, नाम वहां बदल दिए गए हैं। वो बुद्ध के ही, मगर वो सारे के संस्कारित होने की वजह से नाम लोगों को थोड़े से अज्ञान हो गए। तो समझ में आता है कि जब सारे के सारे धम्मशालाएं यानी धम्म की शाला धर्मशालाएं अगर बदल दी गई हैं, विहारा बदल दी गए हैं या कब्जे में हैं या टूटते गए हैं, तो धम्म खतरे में है या खत्म हो चुका है या पतन हो चुका है या विनाश कर दिया गया है, समझ में आता है। कोई राज्य इस विचार को कितना अपने अंदर समेटता है, यानी कि राज्य का विचार अगर ये विचार है जो बुद्ध का विचार है, तो पता चलता है कि ये जो धम्म है ये खत्म हुआ, खतरनाक है या नहीं है। अशोक के समय और अशोक के बाद तक भी लगभग 700-800 साल तक, हजार साल तक राज्यों के विचार बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित होते थे, समता मैत्री बंधुत्व और भाईचारा लगभग हजार साल तक ये चलते रहे और लोगों ने इस विचार को आगे बढ़ा के बुद्ध के विचार से देश का लोगों का कल्याण किया। और अभी लगभग जब 1947 से फिर जब संविधान बना है तो ये विचार दोबारा से आया है जो बुद्ध का विचार है, धम्म का विचार है, प्रकृति का नेचर का विचार है, सबको समानता, सबको भाईचारा, सबको मौका जो संविधान में दिया गया है, ये विचार दोबारा से आया। तो क्या संविधान की जो स्थिति है और जो पुरानी स्थिति है वो दोनों सिमिलर है, एक सी है? क्या संविधान की वो बात पूरे देश में लागू है या नहीं? अगर लागू है और चल रही है, प्रैक्टिस हो रही है, तो खतरे में नहीं है बुद्ध का विचार। और अगर संविधान की बात
नहीं मानी जा रही है, संविधान अभी काम नहीं कर पा रहा है, या संविधान को काम करने नहीं दिया जा रहा है, या लोग संविधान की बात को नहीं मान रहे हैं, तो फिर बुद्ध का विचार और धम्म खतरे में है, खतरनाक स्थिति में है। ये स्केल होते हैं कि कोई देश कितना तरक्की करता है प्राकृतिक स्थिति के अनुसार, क्योंकि भारत में जब भी तरक्की हुई है बुद्ध के विचार से हुई है। महाभारत बना तो बुद्ध के विचार से बना, और जब खंड खंड भारत हुआ और भारत टूट गया, यहां से श्रीलंका चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, ईरान चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, बांग्लादेश चला गया, बर्मा चला गया, तो फिर हमारा जो महाभारत है वो छोटा भारत होके रह गया। उसके रचयिता अगर सम्राट अशोक आज होते, सम्राट अशोक होते तो शायद और भी बड़ा भारत बनते, हम ईरान से इराक की तरफ बढ़ जाते, इधर हम ऊपर पूरे यूरेशिया की तरफ बढ़ जाते और नीचे भी हम इधर बढ़ जाते, तो शायद भगवान बुद्ध की फिलॉसफी से या बुद्ध की फिलॉसफी से या भगवान बुद्ध के विचार से और ज्यादा तरक्की होती, फिर ये खतरे में नहीं रहता। तो ये कुछ मानक हैं कि लोग कितने रह गए, धम्मशालाएं यानी जो जो बिल्डिंग्स हैं, जो आले हैं या जो जिनको मंदिर बोलते हैं, मंदिर मतलब जहां मन का दर्द दूर होता है, दुख दूर होता है, वो कितने अभी बुद्ध के नाम से हैं, कितना लोग उनको जानते हैं, कितना सुबह शाम उनका नाम लेते हैं, कितना उनकी फिलॉसफी को रिपीट करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रचारक हैं यानी जो भिक्खु हैं, मंक हैं, जो नन हैं, वो कितने बचे हैं, उनको क्या कठिनाई है और उनको सुख सुविधा कैसी है, और राज्य ने इस विचार पे अपना काम करता है या नहीं, या उसका कोई और विचार है, तो राज्य विचार करता है नहीं करता है, तब आप सही स्थिति जान पाएंगे कि ये खतरे में है या नहीं है। कोई कहे कि खतरा नहीं है तो उसको निकल के देखना चाहिए, भिक्खु से पूछना चाहिए, क्योंकि भिक्खु कई बार पिट भी रहे हैं, और धम्म का काम करने वाले लोग, क्योंकि भारत में जितने भी लोग धम्म की बात करते हैं या धम्म को अंगीकार करते हैं, वो दरअसल अपने पुराने 2600 साल पुराने धम्म की पहचान कर उसमें वापस आते हैं, ताकि भारत की तरक्की हो सके और भारत दुनिया में फिर जीडीपी लेके आ सके 26-27%, और फिर यहां महाभारत बन सके, जो देश जा चुके हैं वो देश फिर दोबारा से आ जाए, क्योंकि बुद्ध के 2600 साल के बाद ही लगभग 600 साल बाद ईसा मसीह आए हैं, तो ईसा मसीह 600 साल बाद विचार लेके आए हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लगभग 600 साल बाद इस्लाम लेके आए हैं, और उसके बहुत बाद में जाके जो गुरु नानक या और जो बाकी संत हैं वो सब आए हैं, तो सबका ध्येय एक ही है, सुख और शांति, समता और वृद्धि, अलग अलग तरीके से बात कही है मगर सबने एक ही बात कही है। तो बुद्ध का जो धम्म है या विचार है कैसे खतरे में है, बुद्ध की जो भाषा थी उसको सारे के सारे लोग बोलते हैं, यानी बुद्ध ने जिस भाषा में, भाषा बुद्ध ने नहीं बनाई, भाषा प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति ने जो भाषा बनाई है पाली उसको आज नाम दिया गया है, जो पाली भाषा है, पाली भाषा पूरे भारत में बोली जाती है अलग अलग तरीके से, क्योंकि यही जनजन की भाषा थी, यही बोली थी, थोड़ी चेंज हो गई है मगर सारी की सारी वही है। उस पाली भाषा का जो स्पेशल भाषा है, जो उस समय बुद्ध की भाषा है, उसको कई बार यूपीएससी में एग्जाम देने से रोक दिया, लोगों ने संघर्ष किया, उसका कहीं पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ने के लिए स्पेशल कहना पड़ता है, यानी कि जैसे और भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है या जो और ऐसी भाषा है जो संस्कृत भाषा है, उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनके विश्वविद्यालय हैं, मगर पाली का विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय या चॉइस नहीं है कि स्टूडेंट उसमें से चूज कर सके। जैसे मैंने खुद जब मैं पढ़ता था तो मेरे को 8वीं तक संस्कृत पढ़ाई गई, संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती थी बड़ी, क्योंकि संस्कृत भाषा है, मॉडिफाइड है, बनाई गई भाषा है, तो उसको समझने में बड़ा टाइम लगता था, मगर पाली, अब चूंकि मैं पाली पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि वो हिंदी से भी ज्यादा सरल है, दरअसल पाली का ही जो रूप है वो हम हिंदी में बोलते हैं या मराठी में बोलते हैं या गुजराती में बोलते हैं या जो मारवाड़ी है उसमें बोलते हैं या जितनी भी पंजाबी है या जितनी भी उड़िया भाषा है, वो सारे के सारे वहीं से बनी हुई है, तो वो मेरी एक तरह से मदर टंग की भी मदर टंग है, यानी कि मेरी माँ की भी माँ है वो, तो उसको सीखना या उसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। तो पाली यानी भाषा जो है या जो स्क्रिप्ट है उसको उन्होंने बहुत तेजी से प्रमोट नहीं किया, इसका मतलब वो खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि पाली अगर आप पढ़ेंगे तो धम्म को समझ जाएंगे, धम्म को समझ जाएंगे तो भारत बहुत तेजी से छलांग लगा के दुनिया में विश्व के हिसाब से सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा, व्यापार में भी और काम में भी और अपने नियमों में भी और अपना जो सदाचार है उसके हिसाब से भी, जैसे
पहले था, और जैसे पहले यहाँ 23-23 महाविद्यालय थे, उस समय के हिसाब से यहाँ एजुकेशन बढ़ जाएगी। तो आप चिंतन करिए, आप मनन करिए कि क्या आपका जो नियम है, यानी कि जो बुद्ध का पर्सनल लॉ है, उसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, या जो बौद्ध गया के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि भारत में बुद्ध का जो स्थल है, जन्म स्थल है, और जहां बुद्ध ने अपना पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया, वो भी आज की डेट में लिबरेट यानी आजाद नहीं है। जो यहाँ की उस फिलोसफी को मानने वाले लोग हैं उनको नहीं है। समय समय पर बहुत सारे भिक्खु बौद्ध गया आजाद करो के नारे लगाते हैं, मगर कोई सुनने वाला है नहीं। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी खतरे में है या नहीं है। जो धम्म के जानने वाले लोग हैं या जो धम्म को मानने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं नहीं है, सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती, और उनका प्रचार प्रसार बातों का रोक दिया जाता है। उसके लिए बार बार भारत के धम्म के लिए भारत के लोगों को भारत के अंदर ही परमिशन लेनी पड़ती है। एक बड़ी अजीब सी बात है, दुनिया में जहां और मजहब के या और रिलीजन के लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, मगर भारत में पैदा हुए जो बुद्ध धम्म है, जो बुद्ध हैं, जो विश्व गुरु हैं, उनके किसी काम काज के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। अगर कोई आदमी अपने घर वापस आता है, 50 या 100 आदमी, हम कहते हैं कि हम तो भारत की पुरानी पद्धति, भारत की मूल पद्धति, भारत की ओरिजिनल पद्धति में अपने घर वापस आना चाहते हैं, तो लोग कई बार उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा देते हैं। जबकि बुद्ध कोई ऐसा मजहब या रिलीजन के हिसाब से कंपैरेटिव नहीं माना जाता, आप देखेंगे। तो यहां सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि बुद्ध का जो साहित्य है, बुद्ध की जो फिलॉसफी है जो लिखी गई, वो मिक्स कर दी गई, और मिक्स करने से वो बहुत ही ज्यादा खात्मे की तरफ बढ़ गई, और वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान हुआ। इसलिए धम्म खतरे में है। धम्म इसलिए खतरे में है क्योंकि अगर आप उसका शोधन नहीं करेंगे, उसको शुद्ध नहीं करेंगे, जो धम्म की वाणी है, तो अशुद्ध चीज को अगर आप पढ़ाएंगे तो धम्म फिर अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध धम्म ही भारत के अंदर रन कर रहा है, चल रहा है। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर हैं, या जैसे और भी जो बड़े जो महापुरुष हैं, उन्होंने उसका अध्ययन किया है, और जो लोग अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा अशुद्धि है, इसको मिक्स किया गया है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो बाद में लोगों ने टीका टिप्पणी करके रेफरेंस के रूप में, मीमांसा के रूप में वो लिखी हैं, जो कि उस फिलॉसफी से मैच नहीं करती जो भगवान बुद्ध ने दी हुई है। क्योंकि भगवान बुद्ध तो बिल्कुल स्पष्ट थे, और उन्होंने तो एक ऐसा सूत्र भी दिया हुआ है कि आप उनकी बात पे यकीन ना करें, मतलब चेक कर लें उसको कि वो ठीक है या नहीं है। तो सारी बात अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान बुद्ध की जो साहित्य इतना बड़ा बड़ा चल रहा है, वो बहुत ज्यादा मिक्स है। अब इस मिक्स को, इस मिश्रित को, इस मिले हुए को, इस अशुद्ध को शुद्ध करने का काम थोड़ा सा मेहनत वाला है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप ईमानदारी से, समता से, करुणा से देखेंगे तो आसानी से पा लेंगे कि क्या रीजन है, क्या नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे धम्म पद के अंदर बहुत सारी मिक्सिंग है। धम्म पद के अंदर एक वर्ग है जिसको ब्राह्मण वर्ग बोलते हैं। अब ब्राह्मण शब्द पाली का नहीं है, आधार है पाली में नहीं होता है। ब्राह्मण एक रंग को बोलते हैं, यानी कि वर्ण को बोलते हैं, वर्ण माने रंग होता है। तो आप देखेंगे उसमें क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय यानी खत्तीय वर्ग नहीं है, उसके अंदर जो वैश्य वर्ग नहीं है, उसके अंदर शूद्र का यानी शुद्ध का वर्ण नहीं है, उसके अंदर भगवान बुद्ध का शाक्य वर्ण भी नहीं है। अगर समण की बात करें तो समण वर्ग भी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान बुद्ध किसी वर्ण को या जाति को या कोई चीज को ऐसे को प्रमोट करें, क्योंकि जाति तो उस समय होती नहीं थी। दो रंग हुआ करते थे, काले और सफेद। तो भगवान बुद्ध समण वर्ग से आते थे, समण रंग से आते थे, काले रंग से आते थे। तो वो अगर ब्राह्मण वर्ग लिखेंगे या ब्राह्मण का प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति का प्रशंसा हो गया, और व्यक्ति का प्रशंसा तो उन्होंने कभी किया नहीं, किसी वर्ण का किया नहीं, वो तो यूनिवर्सल है। तो साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि अगर वो किसी व्यक्ति का प्रशंसा करेंगे तो बहुत लोगों का करेंगे, फिर तो इतने सारे लोग हैं, उसमें एक नारी वर्ग भी होना चाहिए, उसमें एक बच्चों का जो वर्ग है वो होना चाहिए, उसके अंदर बुढ़ापे का जो ऐसा वर्ग है कि भाई ब्राह्मण अगर बूढ़ा होता है या क्षत्रिय बूढ़ा होता है या वैश्य बूढ़ा होता है तो होना चाहिए। तो और उसके अंदर वर्ग विचार नहीं है, और वो बाद में जुड़े हुए हैं, इससे स्पष्ट होता है।
कि उसमें मिक्सिंग करके बाद में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, उसको कौन फिल्टर करेगा, कौन शुद्ध करेगा, कौन देखेगा, ये भारत के लोगों को देखना चाहिए, तो उससे उन्हें पता चलेगा। फिर कुछ बातें उस साहित्य में ऐसी हैं जो कल्पनाओं पर आधारित हैं, जिनका ना सर है ना पैर है, वो सब बाद में जोड़ी गई हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी जो फिलॉसफी बताई है वो मन की और मस्तिष्क की, जीवन की और मृत्यु की, और कारण की और उसके परिणाम की बताई है। सारा सारा उनका बेस कारण और परिणाम पर आधारित है। कारण और परिणाम, परिणाम और कारण, ये चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उस पर आधारित सारी उनकी विचार है और वही सत्य है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट उसी को आज भी खोजते हैं, आज भी देखते हैं। तो फिर किसने उसमें ऐसी ऐसी बातें जोड़ दी जो कल्पनाओं की और कल्पनाओं से परे की भी हैं, जो समझ से परे की हैं। आप अपना सर धुनते रह जाएंगे, आपको पल्ले नहीं पड़ेगी अनंत, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बुद्ध का जो फिलॉसफी है वो भी बाकी फिलॉसफियों जैसा ही है। अरे इसमें भी वही है, उसमें भी वही है, ये मुगालता, ये गलतफहमी, ये इल्यूजन, ये भ्रम आपको हो जाएगा और आप धम्म की तरफ से विमुख हो जाएंगे बुद्धिजीवी होते हुए भी। तो ये सारी चीजें उसको खत्म करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसको खराब करने के लिए बहुत पहले से कई लोगों ने डाली हैं, अभी वो ठीक करनी है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि बुद्ध धम्म खतरे में नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो उसमें रहें, माने, करें, मगर जो लोग ये समझते हैं कि बुद्ध धम्म खतरे में है, उनको ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा लोगों से संपर्क करना चाहिए, फिलॉसफी को अच्छी तरह समझना चाहिए, साहित्य को पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भारत में जो करोड़ों लोग धम्म को पहले मानते थे वो थोड़े से क्यों रह गए, भारत में जो इतनी सारी धम्म की शालाएं थी वो कहां गायब हो गई, भारत में जो इतने सारे विश्वविद्यालय थे धम्म के वो कहां चले गए, जो इतने सारे धम्म गुरु थे या धम्म मंक थे या भिक्षुणी थी या भिक्षुणी संघ थे वो कहां चले गए, या धम्म की बात करने पे लोग डरने क्यों लगे, या क्यों आज धम्म की बात को प्रचारित नहीं होने दिया जाता, या क्यों आज भगवान बुद्ध की अस्थियां नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं दिल्ली के अंदर, क्यों उनके ऊपर आज एक बहुत विशाल इंटरनेशनल लेवल का कोई विहार या कोई स्तूप या कोई थूप या कोई मॉन्यूमेंट राजधानी जैसे क्षेत्र में क्यों नहीं बन रहा है, क्यों वो वहां पड़ी पड़ी सड़ रही हैं, क्या भगवान बुद्ध की जो अस्थियां या हड्डियां हैं या जो रिलिक्स हैं उनकी सिर्फ इतनी ही मान्यता है उस देश में जिस देश में वो पैदा हुए और पूरी दुनिया में छा गए, ऐसे विश्वगुरु की हड्डियां सिर्फ हम देखने के लिए रखेंगे वहां, क्या उनसे प्रेरणा नहीं मिलेगी, क्या उनसे विश्वविद्यालय नहीं बन सकता, भगवान बुद्ध की अस्थियों से बहुत बड़ा काम भारत में हो सकता है, टूरिज्म डेवलप हो सकता है जिसमें करोड़ों डॉलर आ सकते हैं हर महीने के हिसाब से। तो इस संदर्भ में इस बात को देखते हुए आप खुद फैसला कीजिए कि भगवान बुद्ध का या धम्म की जो फिलॉसफी है या धम्म का जो विचार है वो खत्म हो चुका है, निकल रहा है बाहर, या फिर दोबारा से खत्म हो रहा है, या डॉक्टर अम्बेडकर के 1956 के बाद में जो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज बहुत तेजी से बढ़नी है और वो अगर रुक गई है तो किसी ने रोक दिया है, क्योंकि 10 लाख लोगों ने अगर 1956 में धम्म दीक्षा नागपुर में ली है तो अगले साल कम से कम एक व्यक्ति को, एक आदमी को धम्म के बारे में बताना चाहिए था, तो वो 20 लाख हो जाती, और उससे अगले साल वो 40 लाख हो जाती, उससे अगले साल वो 80 लाख हो जाती, उससे अगले साल वो एक करोड़ 60 लाख हो जाती, इसके हिसाब से अगले 10 साल के अंदर अंदर तक पूरे भारत में वो बात आ जानी चाहिए थी, मगर वो 10 लाख के 10 लाख ज्यादा नहीं बढ़ पाए। सेंसस भी ये कहता है कि 1 करोड़ से भी कम संख्या भारत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी है, कुछ बहुत पुराने हैं जिनका बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, जैसे त्रिपुरा के अंदर हैं या जो महायानी हैं जो उधर लेह लद्दाख के अंदर हैं, या जो उधर ऊपर की तरफ भूटान की तरफ जो नीचे हैं वहां की तरफ हैं, ये कुछ परंपरागत हैं जिनको बरुआ वगैरह बोलते हैं, तो इनका बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, इनका पूजा पाठ वाला ज्यादा काम चलता है, इसलिए बाबा साहब की क्रांति से अगर उनको हम अलग भी रखें तो यहाँ ये बात बहुत इसे फैलनी चाहिए थी। आप देखिए बाबा साहब ने जो संस्थाएं बनाई थी क्या वो संस्थाएं डेवलप कर पाई, क्या उनको राजनीति से बचाया जा सका, क्या वो बहुत तेजी से पूरे धर्म का प्रचार प्रसार कर पाई, क्या उनके अंदर कुंठा तो नहीं आ गई या उनको रोक तो नहीं दी गया, आप खुद देखेंगे कि धर्म खतरे में है या नहीं। अगर आपको लगता है कि खतरे में है तो आपको निकलना चाहिए, इस फिलॉसफी को फैलाना चाहिए, विचार को फैलाना चाहिए, उसका फायदा यह होगा कि हम भारत की जीडीपी को
पूरी दुनिया में फिर ले आएंगे और यहाँ हर आदमी को रोजगार, हर आदमी को काम मिलेगा, यहाँ फिर सब लोग पढ़ पाएंगे, सारे लोग यहाँ जैसे सम्राट अशोक के समय सभी लोग साक्षर थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, वैसे यहाँ दोबारा से करेंगे, हम दुनिया में फिर विश्वविजेता हो जाएंगे। खाली कहने से कोई विश्वविजेता नहीं बनता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत आपकी तब होगी जब आपका विचार प्राकृतिक होगा, शुद्ध होगा, धर्म के अनुसार होगा। इसलिए मेहनत करें क्योंकि पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखती है। वो जब बौद्ध गया को देखती है तो सर झुका लेती है, कहती हमारे विश्व गुरु को यहाँ ज्ञान मिला था, ये भारत की सबसे बड़ी इज्जत है, इसे भारत से और आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए बुद्ध गया आपके पास अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा विशाल डेवलप हो जाएगा। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sirunam Gacchami.